राष्ट्रपति इधर से एंट्री मारेगी भाई। ला भाई आज तो मौज ही बांध दी। ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज दीस फ्लेयर्स आर यूज्ड बाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू डिसीव हीट सीकिंग मिसाइल्स। अब यह विमान एक ही स्थान पर रहकर 360 डिग्री घूम कर पुनः वापस आने की कार्रवाई को प्रदर्शित कर रहा है। और ये गाड़ी है ना स्पीड का ही शिकार लगती है देखो, क्योंकि ये स्पीड से ही डिवाइडर में टकराई है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है चाइल्ड एक्सप्लोर में। आज फिर जा रहे हैं एयर शो देखने, पिछली वीडियो आप देख ही चुके हो, लेकिन भाई बहुत ज्यादा भीड़ है और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आज खुद की गाड़ी की परमिशन मिली है। स्पेशल स्टिकर लेके जा रहे हैं, आज VIP टाइप बन के जा रहे हैं भाई। आपको दिखाता हूँ किस टाइप का स्टिकर मिला अपने को, और वैसे पहले भीड़ देख लो आप। तो अभी है यहाँ पर, और ये बत्ती है ना भाई चार बार हो चुकी है, इतनी भीड़ है। एक बार मैनुअल भी कर दिया गया था इसको, लेकिन फिर भी हम निकल नहीं पा रहे हैं। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था आप स्कॉर्पियो के साथ वीडियो व्लॉग्स बनाया करो, हर एक वीडियो डाला करो, इतना ज़्यादा ट्रैवल हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है शेड्यूल, इसलिए वीडियो में ज़्यादा डाल नहीं पाता, लेकिन जितना पॉसिबल होगा आज के बाद जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग डालूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का एयर शो कैसा रहता है, VIP सीट्स जो है वहाँ से कैसा दिखेगा आपको भी दिखाएंगे और पूरा मज़ा लेंगे। उससे पहले रास्ते का जितना पॉसिबल होगा मैं बताऊँगा आपको। ये मिला जी स्पेशल अपने को पास, देख लो ये VIP पास, अपनी स्कॉर्पियो आगे जाए खड़ी होगी, ठीक है इसको लगा लेते हैं गाड़ी के ऊपर। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा लगता है वैसे। तो जगह सारे सुखना लेके जा रहे हैं क्या लगता है ऐसे रहा है। अब दूसरा मोबाइल है नहीं, आपको दिखाता मैं पूरा रेड दिखा रहा है यहाँ से, 9 किलोमीटर की दूरी है, 35 मिनट दिखा रहा है। ये भी अटक गया, स्वाइक हो गया, मोबाइल में पता लग रहा है ना स्वाइक हो गया। कोई नहीं दिख रहा ना इधर से, आज तो काम कर रहा भाई, देख रहे हो VIP टाइप जा रहे हैं बिल्कुल, कोई नहीं रोक रहा, रेड स्टिकर अकेले। ये होना बात गुड, ये स्टिकर है कमाल भाई एकदम से, आज मजा आ गया भाई, बुलाई करना नहीं कर। अब और देखते हैं क्या रहा है, प्रेसिडेंट वाले रास्ते से आ रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट को वेलकम कर रखा है प्रेसिडेंट का। इतने खाली रोड पर तो मुझे भी घबराहट हो रही है, अपनी गाड़ी तो ही नहीं रोक रही, कोई रोक रहा है, कोई रोक नहीं रहा, कोई रोक ना ले, ज्यादा फीलिंग नहीं है ना भाई, फुल घबराहट है, मेरे से गलती करना है तो मुझे दिखाना, फुल घबराहट हो रही है भाई, इतने खुले रोड पे चल रहा हूँ मैं अभी, आज कुछ ज्यादा फीलिंग आ रही है। अब तो पहुंच गया, अब तो क्या है? सागवान इसी चीज के लिए आए आज हम, नहीं तो हमने कल देख लिया है और दोस्तों ने भी देख लिया था सारा कुछ, लेकिन हमें ये चीज भी दिखानी थी ना, राष्ट्रपति इधर से एंट्री मारेगी भाई। ला भाई आज तो मौज ही बांध दी। मैडम भी बढ़िया से खड़ी कर रखी, चूज करके खड़ी कर रखी है। राइट राइट राइट, ड्रेस नहीं दी है, इशू करिए नहीं ड्रेस पुलिस को। ला भाई मौज आन दिया आज तो, नॉर्मल डेज में भी नहीं मिलती ऐसी पार्किंग तो। ये देखो बिल्कुल सामने सुखना लेक है, और वहां से ना राष्ट्रपति एंट्री मारेंगी। मेरे को देख लो कैसा लग रहा हूँ, गिल भाई अपना ऑल ड्यू टू सागवान भाई, थैंक यू। I was nice, yeah, looking good.
लेकिन हमने सलाह करके ब्लैक नहीं पहनी है। ठीक है कि भाई स्कॉर्पियो अपने फिट चल सागवान भाई चलें। ज्यादा इज्जत मिल रही है गिल, ज्यादा इज्जत मिल रही है, सहन नहीं हो रही। चलो जी इधर से एंट्री, सारे वीआईपी टाइप लोग हैं, इतनी वीआईपी कल्चर की आदत नहीं है ना हमें। पूछ लो ना, इन खड़े हैं प्रशासन से पूछो। प्रशासन भाई खड़ा है पूरा, तगड़ी सिक्योरिटी टाइट है। ये मीडिया भाई इधर, यहाँ से एंट्री हुआ, जहाँ से राष्ट्रपति एंट्री कर रहे वहीं से एंट्री मारेंगे, वहाँ से एंट्री मारे, यहाँ से राष्ट्रपति जाएंगे। बहुत सुंदर भाई, अभी हुआ क्या है फ्रेंड्स, रियर कैमरे से बात करते हैं। अभी फ्रेंड्स क्या हुआ कि एंट्री जो है आपको उधर से ही जाना पड़ेगा, रोक रहे हैं भाई इतने गवर्नर, उनके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा हमें, अब फिर चलेंगे। क्या भाई क्या हो गया, उधर से पुलिस चिल्ला रही है, क्या हो गया क्या हो गया, बहुत चिल्ला रहे हैं, कैसे जाएंगे भाई हम लोग आगे भाई। देखिए वीआईपी रोड बता रहे हैं यहाँ पर, एकदम रुकने दे रहे। ये चौक भाई भाई देखो लिख रखा ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ से एंट्री मारेंगे भाई, सारी पुलिस यही लगा रखी है चंडीगढ़ की, और इधर उधर से भी बुला रखी है थोड़ी बहुत पंजाब पुलिस, पंजाब हरियाणा, हाँ तीनों लगे हुए। गाड़ी का स्पेशल था, लेकिन ये जिसके पास पास है ये पीछे किशनगढ़ वाली साइड से ही एंट्री करेंगे, लेकिन वहाँ पर जोन अलग बना हुआ है हमारे कार्ड का, तो होपफुली शायद बैठने की हमें जगह मिल जाएगी। थोड़ी दूर पैदल जरूर चलना पड़ेगा, हाँ जी हाँ। आपकी वो प्रैक्टिस हो रही है, ठीक तो है? नहीं नहीं, तो चाहे साहब के कारण ऐसा हुआ है कि हमको प्री बुकिंग की जगह हमको लेट बुकिंग हो गई है। नहीं वो तो उसके लिए ना वीआईपी एंट्री चाहिए थी। नहीं तो आपने फीलिंग दिलाई हमको वीआईपी वाली, हाँ गाड़ी में मिली ना, बस 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 अपनी गाड़ी को मिलनी चाहिए। उसमें तो कुछ ओवर ही हो गया था चहल साहब, चलो कोई नहीं कोई नहीं, हाँ थोड़ी घबराहट ज्यादा ही होगी, आदत नहीं है ना, सही कह रहे हो आप। तो चलो जी यही चलते हैं, अभी दिखाता हूँ सुखना लेक का, आज दोस्तों को भी दिखाते हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बस ये दो तीन चौक क्रॉस करने पड़े हमें, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पड़ गया है, अभी जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे टाइम पे। लो जी फिलहाल ये सुखना लेक की जो मेड है ना वो दिख गई है, हमारा पास है एडमिट वन वाला, तो लेफ्ट साइड जाएंगे, काफी दूर पैदल चलना पड़ गया भाई। गालियां मिल रही है वो तो बता, हाँ पीछे गालियां मिल रही है फैमिली की साइड से, लेकिन चलो पहुंच जाएंगे अभी। वैसे अपनी गाड़ी यहाँ भी आ जाती है, क्या बोलता है, यही आती है ब्लू पास, वो ब्लू, पास। ब्लू वाले हैं, ये ब्लू वाले हैं, नहीं ब्लू वाले है, अच्छा दोनों लगे हैं, ब्लू और रेड दोनों लगा रखे हैं भाई ने, हाँ। तो बाकी एक्चुअली रेड वाले की वहाँ थी, तो वहाँ वीआईपी ही एंट्री है, वीआईपी पास ही है। अब भाई इतने बड़े हुए नहीं अभी तक कि वीआईपी पास मिल जाता, एंट्री मिल गई थी गाड़ी को लेकिन पास था नहीं, तो इसलिए ब्लू एंड ब्लू पास से एंट्री करनी है। बिल्कुल जी, देखो हमारे लिए बोल दिया है गेट नंबर 1 से एंट्री है, मैडम अच्छी है, ठीक है पीछे, हाँ मैडम अच्छी है, प्यार से समझा रही है, हाँ प्यार से समझा रही है। तो जी आखिरकार पहुंच गए हैं फाइनली हमारे उसके ऊपर, हाँ यहाँ भी वीआईपी वाली बिल्डिंग आई ना अलग से, देखो बाकी लोग खड़े हैं, हम लोग एंट्री कर गए पूरी फैमिली अपनी। चलो जी, और अभी हेलीकॉप्टर पानी भर रहा है और आग बुझा रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ भी भाई कल वाला ही हाल है, परसों वाला ही, चलो इधर से एंट्री है।
थोड़ा ब्रेक हुआ है, वैसे भीड़ दिखाऊंगा आपको, पीछे खड़ा हूं मैं और ये भीड़ है जी, आज भी अच्छी खासी है। रिलैक्स करने आ गया, वैसे इस साइड है ना पंखे भी लगे हैं, पानी नहीं है लेकिन यहाँ पर दिखाऊंगा आपको बैक करके। ये देखो नल है लेकिन पानी नहीं है, पंखे देख रहे हो, पंखे हैं। वैसे भी आज ऊपर वाला मेहरबान है तो ज़्यादा गर्मी है नहीं, ठीक है माहौल। तो मेरे हिसाब से जो भाई यहाँ पर आए हुए हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो इन्जॉय किया होगा उन्होंने। प्रेसिडेंट आ गई है भाई, ये उनके आने की खुशी में बजा रहे थे म्यूजिक सब जो सुन रहे थे आप। तेजस इन द स्काई, signifies its training role. The Harvard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly Hurricanes and Spitfires. And engineers. Our Gabrus have come, the big boy formation. Special forces behind enemy lines in hostile airspace. You're now witnessing bright flares being dispensed from the aircraft. During hostilities, these flares are used by military aircraft to deceive heat-seeking missiles of the enemies. You're right, as the aircraft carries out the hesitation roles. Helicopter on its tail and slow down the aircraft to zero speed, and it starts sliding down, executing the tail slide maneuver. The indigenous light combat helicopter Prachand and is approaching from your left.
leave and wishing everyone a happy 90th Air Force Day. There's plenty. Making the English letter I in the sky. Coming from your right, sarangs in Indra formation. Breathtaking surprise, and here goes number 4 pulling up for the stall time. जी आज का अपना एयर शो बहुत ज़्यादा जनता थी, आपने जैसे कि देखा है। तो अभी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वीआईपी इलाके से बैठते नहीं पाए, निकल पाएंगे। ये गिल साहब मेरे साथ जो आपको दिख रहे हैं, और रहेंगे आज है ना, जो एयर शो के थोड़े थोड़े शॉट डालेंगे जो कल नहीं डाल पाए थे, बाकी व्लॉग्स पे ज़्यादा सारंग नहीं था ना, हाँ सारंग नहीं डाल पाए थे कल, वो दिखा देंगे आज। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, देख रहे हो आप, बैरिकेड्स लगे हैं और कुछ वीआईपीज बैठे हैं उधर, उसके बाद निकलेंगे। पंडाल में क्या था देखें, अभी भी खड़े हैं, बैरिकेड्स लगे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। विल ट्राई, ये लोग वही है ना जो जहाज से कुछ फेंका था उतार के लाए थे, कमांडो है ना, हाँ वो आगे जो दिख रही है वो जहाज ने फेंकी थी, उसके बाद उतारा गया था। बड़ी झील झोले खा रही है, वो दूर तक आपको दिख नहीं पा रहा होगा कैमरा, मैं कोशिश करता हूँ। आज लास्ट तक है ना पूरी, जो इसके अपने जेल के चारों तरफ जो रास्ता है वो लास्ट तक है, पूरी भीड़ भरी हुई है। और हम लोग यहाँ से कोशिश कर देंगे अभी जाने की, अगर लोग निकले तो हम भी निकल जाएंगे। आ जाओ अपने स्कॉर्पियो वीआईपी पार्किंग में है ना पार्क, मैडम बड़ी खड़ी है, वहाँ ही जाने देगी कि नहीं, कोई नहीं आधे घंटे बाद जाने देगी ना, जाएंगे तो इधर से ही। तो जी पिछले एक डेढ़ घंटे से, एक डेढ़ घंटे नहीं, एक डेढ़ बजे से खड़े हैं, 5 बज गए हैं और अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि जाने दिया नहीं जा रहा है। वहाँ पर बता रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। तो अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पर, अगर बैठ गए हैं और उस कोने में, उधर उस कोने में जाने की जगह बन रही है, तो थोड़ी देर वेट करके फिर निकलेंगे। देख रहे हो राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल नया खरीदा गया है कारपेट, और अभी हम निकल रहे हैं जहाँ से राष्ट्रपति आई थी। हाँ जी,
जाने वाली फीलिंग नहीं, तो जाने वाली वही कह रहा था मैं दोस्तों को, वही बता रहा हूँ अपने व्यूवर्स को ना, वही बता रहा था मैं। देखो राष्ट्रपति इस पे आई थी, आई इस पे थी, लेकिन हम लोग जा रहे हैं इससे, यहाँ से घुसने देते, देखो अपने को 2 मिनट लगते ना जाते हुए। चलो जी, चलो कोई नहीं, आते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये VIP एग्जिट हो गया हमारा, VIP एग्जिट देख रहा किल मेरा VIP वाली फीलिंग। चलो जी उधर खड़ी अपनी स्कॉर्पियो पकड़ते हैं जाके जल्दी से। चलो जी अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है, और ये वाली नहीं है भाई, इसके उधर वाली है। मैं सोचूं यार अलॉय व्हील कहाँ गए अपनी गाड़ी के, कोई नहीं गया। हाँ वो उधर वाली है, फिर ध्यान से देखा शाइनिंग तो मैं अपने वाली ज्यादा है, सरकारी 2012 मॉडल है, सरकारी लग रही है, एयरफोर्स टाइप की है ना। चलो जी मैडम, अच्छा वो उस गाड़ी में आई थी ना, मैं भूल ही गया था। चलो चलो जी जाने दो, अब छोड़ो, ये किसकी खड़ी है? अरे ये बीच में खड़ी करके कोई भाई, राइट से लेफ्ट से दबालो ना, कोई नहीं, हम इसको ऊपर से घुमा लेंगे। चलो पाजी पाजी, लोग VIP कैटेगरी में बैठे थे बताओ। लो जी घर पहुंचते पहुंचते ना रात हो ही गई, टाइम ये अपने दोस्त थे कुछ, इन्होंने है ना टी पार्टी रख ली, तो फिर रुकना पड़ा इनके पास, क्या करते यार। ये अकेले में व्लॉग बनाना ना, एक हाथ से पता नहीं कैसे शूट कर लेते हैं यार, बड़े बड़े ब्लॉगर्स मैंने देखा गाड़ी चलाते हुए शूट कर लेते हैं, अपने तो बस की नहीं है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है अकेला। ये देखो स्टार लाइट भी अपनी गाड़ी में भाई, आप लोगों ने जिसने नहीं देखी थी, ये सस्ती स्टार लाइट है, सस्ती स्टार लाइट। ऐसा भी हो जाता है भाई, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ एकदम से, यहाँ पर चंडीगढ़ में आज तक नहीं देखा। और ये गाड़ी है ना स्पीड का ही शिकार लगती है देखो, क्योंकि ये स्पीड से ही डिवाइडर में टकराई है या आगे खड़ी गाड़ी में टकराई है, कुछ तो हुआ है। थोड़ा देखते हैं पास में पहुँच के क्या हुआ है, क्या लग रहा है कैसा हुआ है, अगली गाड़ी से टकराई है या फिर डिवाइडर? गाड़ी तो वैसे आई है, उससे टकराई है, वो तो हेल्प करने के लिए आई हुई है ना, डिवाइडर से टकराई है। डिवाइडर से टकराई है, तो फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिला भाई, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक काफी स्मूथ रहता है चंडीगढ़ में। नहीं नहीं, हाँ इसी से टकराई है, इसी से टकराई है, उसका आगे से बम्पर टूटा, इसका पीछे अच्छा उसका अगला टायर ब्लास्ट था उसका पीछे। और ये क्या हुआ है, क्योंकि आज के दिन है ना थोड़ा सा ज्यादा रस था, डाइवर्टेड थे रूट, उसकी वजह से लोग है ना थोड़ा जल्दबाजी कर गए, नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक काफी स्मूथ रहता है। तो इस टाइप से अगर कभी रूट डाइवर्टेड हो तो आप लोग है ना थोड़ा ध्यान से चले। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का व्लॉग पसंद आया होगा आपको, और इसी तरह की व्लॉगिंग आप कोशिश करेंगे आगे फ्यूचर में भी बनाते रहें। और आज के जो कल परसों मतलब जो पिछले वाला एयर शो था उसके कुछ शॉर्ट्स बचे थे वो मैंने आपको आज दिखाए हैं, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भाई का कोई सवाल है तो कमेंट भी कर सकता है। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।